आज हम आपको और एक नया सेशन PMT09, जी हाँ, GST में PMT09 क्या होते हैं और इसको कैसे फाइल करते हैं, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जरूर 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 शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को जरूर दबाना, लाइक करें, क्योंकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन फाइनेंशियल या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सब कुछ आपको इसी चैनल पे सीखने को मिल जाएगा। अभी मैंने क्या किया कि ये जो GST का वेबसाइट है, यहाँ पे हमने अभी लॉग इन करके रखा है। जी हाँ, यहाँ पे हमने अभी लॉग इन करके रखा है और यहाँ पे जो बैलेंस आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि कैश लेजर पे कितना बैलेंस है और क्रेडिट लेजर पे कितना बैलेंस है। और जो PMT09 है, तो PMT09 क्या होते हैं कि सपोज मान लीजिए आपने गलत हेड पे पेमेंट कर दिया। जी हाँ, आपने टैक्स पेमेंट जब करते गए तो टैक्स पेमेंट की जगह आपने लेट फीस पे पेमेंट कर दिया, या लेट फीस जब पेमेंट करते गए तो लेट फीस की जगह आपने टैक्स में पेमेंट कर दिया, तो ये तो गलत हेड हो गया। तो यही गलत हेड का आपने जो टैक्स पेमेंट किया गलत हेड में, तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, इसको बोलते हैं PMT09। जी हाँ, इसके लिए आपको क्या करना होगा, PMT09 फॉर्म फाइल करना होगा, और जैसे आप फाइल करोगे उसके 5-10 मिनट के अंदर आपका वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी आपको लॉग इन करने के बाद कहाँ पे जाना होगा, सर्विसेज टैब में जाना होगा। सर्विसेज में आने के बाद आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बोल के एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको आना होगा। जैसे आप आओगे तो आपका कैश लेजर में टोटल कुल मिला के कितना बैलेंस पड़ा हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, फाइल GST PMT09 फॉर ट्रांसफर अमाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो जो कैश लेजर का जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो कर रहा है, टैक्स पे कितना है, इंटरेस्ट पे अभी नहीं है, फी पे कितना है, ये सारा बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी मैंने क्या करूँगा, देखिए कि यहाँ पे जो लेट फीस में 100 100 करके जो बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मान लीजिए ये शायद हमने यहाँ पे गलत कर दिया और यही पेमेंट को हमने टैक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें फिलअप करना होगा PMT09। तो देखिए अभी यहाँ पे जैसे आप PMT09 ओपन करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो एकदम नीचे आपको आना होगा मेजर हेड। मेजर हेड पे आपको क्या करना होगा, आपका कौन सा जगह पे पैसा पड़ा हुआ है वही सिलेक्ट कर लेना होगा। तो हमारे यहाँ पे हमारे केस पे CGST पे 100 रुपया पैसा पड़ा हुआ है। मेजर हेड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि माइनर हेड, यहाँ पे मेजर हेड और यहाँ पे बोल रहे हैं माइनर हेड। जी हाँ, माइनर हेड पे आपको क्या करना होगा, आपका जिस जगह पे बैलेंस पड़ा हुआ है वही हेड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मेरा अभी फी पे बैलेंस पड़ा हुआ है कितना, 100 रुपये पड़ा हुआ है CGST में। और हम कहाँ पे चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, CGST रहने देते हैं तो इसको कहाँ पे चेंज करेंगे, ये जो 100 रुपये है ये हमें टैक्स पे डालना चाहता हूँ, यहाँ टैक्स पे हमने इसको कन्वर्ट कर लूँगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, अभी इसको सेव कर लेना होगा। यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेट एज अबव इज इंस्टेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड, यस, इसको हम यस कर देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो CGST वाला जो फॉर्म है ये अभी सेव हो गया, अभी यहाँ पे आप व्यू करके भी देख सकते हो। तो इसके बाद सेकंड जो है SGST में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसको भी हम चेंज कर देते हैं, मेजर हेड पे SGST, माइनर हेड पे जहाँ पे बैलेंस पड़ा हुआ है उस वही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। मेरा फी पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी कहाँ
कहाँ पे रखूँगा इसको चेंज करके, मैं ये जो बैलेंस है ये कहाँ पे जाएगा, इस जीएसटी पे ही जाएगा। और इसके बाद इसको हम टैक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेव, सेम वार्निंग दे रहा है, इसको आप यस कर दीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पे दोनों फॉर्म क्या बोल रहा है कि प्रोसीड रिकॉर्ड वैलिड डेट सक्सेसफुली, ये फॉर्म अभी सेव हो गया। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वेरिफिकेशन बोल के एक ऑप्शन आ जाएगा। वेरिफिकेशन में क्या बोल रहा है, आई हियर बाय सोलेमनली अप्रूव एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन हियरिन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव एंड नथिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम। ओके, इसको हम एक्टिव कर देते हैं। इसके बाद सिलेक्ट करना होगा इंडिविजुअल का नाम, जो भी पर्सन है उसका नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फाइल जीएसटी पीएमटी 09, जी हाँ, यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको वेरिफिकेशन कर लेना होगा। अभी वार्निंग दे रहा है, इसको आप कैसे वेरिफिकेशन करोगे, ईबीसी या डीएससी, तो मैं अभी इसको ईबीसी करके दिखा देता हूँ। प्रोसीड, अभी आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, तो वही ओटीपी यहाँ पे आपको डालना होगा। तो मेरे अभी ओटीपी आ गया यहाँ पे, आप देख ही सकते हो। इसको हम कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद वेरीफाई, ये देखिए अभी ये फाइलिंग सक्सेसफुली, यानी कि ये फॉर्म सबमिट हो गया। तो जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट करोगे तो उसके पास 10 मिनट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ठीक हो जाएगा। आपके मोबाइल या मेल ईमेल आईडी पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी फिलअप कर लिया, तो देखिए पहले यहाँ पे फी पे बैलेंस था 100 100 करके, अभी यहाँ पे फी पे बैलेंस नहीं है, और ये कहाँ पे चला गया, टैक्स पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप पीएमटी 09 फॉर्म फाइल कर सकते हो। आपके अगर गलत हेड पे टैक्स या लेट फी जो भी पेमेंट हुआ, वो गलत हेड पे पेमेंट आपने कर दिया या फाइल कर दिया, तो वही आप पीएमटी 09 के द्वारा ठीक कर सकते हो गलत हेड का पेमेंट। ओके, तो बस आज का सेशन इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, बेल बटन को जरूर दबाना, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन फाइनेंशियल या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सब कुछ इसी चैनल पे आपको सीखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।